तो अब इस पहले पड़ाव का अंत हो चुका है और अब हम जानना चाहेंगे रिजल्ट। रिजल्ट के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विवेक सर को। ओके गाइस, तो सीक्रेट की बात करें तो उसे सीक्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हम किसी को बताते नहीं है, राइट? इसलिए उसे सीक्रेट कहा जाता है। और आज इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर अपना सीक्रेट रिवील करना वो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ आप किसी एक दो या तीन पर्सन को नहीं, हज़ारों लोगों को अभी बता रहे हो, राइट? सो हेड्स ऑफ टू यू ऑल कि आप में इतनी करेज है कि आपने आकर अपना वो सीक्रेट रिवील किया। सो किसका सीक्रेट बेटर है या किसका कम बेटर है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के लिए अपना सीक्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू या एंगेजमेंट व्यूज अगर हम देखे जाए तो उस हिसाब से अगर टास्क का हमें रिजल्ट लाना हो तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोगों का जो सीक्रेट था वो कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ से जुड़ा हुआ था, राइट? एक्सेप्ट वन। सो उसमें भी अगर बात करें तो जो कैटेगराइजेशन होता है प्यार में कि एक कास्ट से आप बिलोंग करते हो और दूसरी कास्ट में आप शादी नहीं कर सकते हो, तो ये जो भी कास्टिज्म है वो भगवान ने तो ऊपर से नहीं भेजा था कि भाई ये तुम इस कास्ट में हो तो तुम उस कास्ट के वाले के साथ प्यार नहीं कर सकते। सो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, बट जो पहले से ही ट्रेडिशन चलता आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमें फॉलो करना पड़ता है। और एक मन में ये भी होता है कि पेरेंट्स का दिल हर्ट करके हम आगे कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है? प्यार तो हम करते हैं, डेफिनेटली प्यार करते हैं, बट अगर उनमें हमारे पेरेंट्स की खुशी ना हो तो वो हमारे लिए भी बाद में खुशी नहीं रहती, राइट? और उसकी वजह से अगर हमें प्यार सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और उसके बाद भी दो साल तक आप बात नहीं करते हो, सो फॉर मी दैट इज़ अ बिगेस्ट सीक्रेट और उसकी इंटेंसिटी भी मेरे लिए ज़्यादा है। सो टिकट टू फिनाले टास्क के सेकेंड फेज में जो पहले जा रहे हैं वो है शहबाज। सेकेंडली बाकी के जो चार लोग रहते हैं उनमें जिसका सीक्रेट सबसे अलग था वो था सिद्धार्थ, जिन्होंने ये रिवील किया कि उनका माइंडसेट वो था कि एक गेम शो में वो जा रहे हैं तो शायद ऐसा चीटिंग करके वो अपने टीम को जीत दिलवा सके कहीं ना कहीं, बट वो उन्होंने टीम से छुपाए रखा और कहीं ना कहीं वो श्योर नहीं थे कि इससे उनका फायदा होगा या नहीं होगा, और इन द एंड उनका लॉस भी हो सकता था क्योंकि लास्ट परफॉर्मेंस हो और सभी का परफॉर्मेंस पहले हो जाता है तो ऑब्वियस है कि आपके जैसा सेम परफॉर्मेंस शायद किसी का पहले रह चुका हो, तो देखने वाले को तो ऐसा ही लगेगा कि भाई ये हमने पहले देख लिया है तो इसके कंपैरिजन में ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपकी वजह से अगर पूरी टीम कहीं ना कहीं लॉस में गई और वो बात आपने अब तक नहीं बताई थी टीम को और वो बात आज आप बता रहे हो, सो आई डोंट नो कि उनका रिएक्शन क्या होगा, बट ये भी मेरे लिए काफ़ी अलग और अच्छा सीक्रेट था। सो सिद्धार्थ वुड बी द सेकेंड कंटेस्टेंट टू गो इन टिकट टू फिनाले फेज टू। अब बात करते हैं नील, गौरांग और अरकान की। सो नील का सीक्रेट जो था वो उनकी फ्रेंड की बहन के साथ डेट कर रहे थे बट कहीं ना कहीं उनका रिलेशनशिप वहाँ पर वर्कआउट नहीं कर पाया। गौरांग का सीक्रेट जो था वो कास्टिज्म का था, बट एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि वो लोग सेपरेट नहीं हुए, अभी भी वो लोग एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं। हाँ, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं मन में दबी हुई है बट कुछ कर नहीं सकते उस सिचुएशन में। और जो अरकान का सीक्रेट था वो था कि भाई आउट ऑफ कंट्री किसी लड़की के साथ आप डेट कर रहे हो, फैमिली का माइंडसेट या अपने फ्रेंड्स का भी माइंडसेट यही होता है कि भाई वो कंट्री के लोग ऐसे हैं, वो लड़की तुझे धोखा दे देगी या तुझे छोड़कर चली जाएगी और कहीं ना कहीं तुझे पछताना पड़ेगा। और उनकी लाइफ में एक पड़ाव ऐसा भी आया कि उस लड़की से 5 दिन उनकी बात नहीं हुई और कहीं ना कहीं उनको भी यकीन आने लगा होगा कि नहीं, जो लोग कहते हैं वो सही होगा, और आज तक उन्होंने कभी रिवील नहीं किया है कि वो किस लड़की से, किस कंट्री की लड़की से डेट कर रहे हैं, बट पहली बार ऑन कैमरा उन्होंने वो रिवील किया कंट्री के साथ। सो आई थिंक सो अरकान आगे की सीजन में भी आ चुके हैं और उनके पेरेंट्स ये शो फॉलो कर रहे हैं, तो आप अवेयर हो तो ये जो आपने सीक्रेट बताया है ये वो आपके पेरेंट्स तक भी जाएगा और उनको पता चलेगा कि आप ऐसी कोई लड़की को डेट कर रहे हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आई डोंट नो कि वो जब देखेंगे तब क्या होगा, बट मैं उनके पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि हर एक रिलेशनशिप में आपको चांस देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते उनकी कंट्रीज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, तो आप जजमेंट नहीं ले सकते। हाँ, हो सकता है आपका लड़का गलत हो, उसके जजमेंट गलत हो, आपने उनको परवरिश की है उसकी, बट कहीं ना कहीं उनकी खुशी भी आप देखोगे एंड आई होप कि आप अच्छा डिसीजन लोगे। सो अरकान को मैं डिक्लेयर करूँगा एज अ थर्ड कंटेस्टेंट इन टिकट फिनाले फेज।
नाउ गौरांग और नील के लिए मेरे लिए तो टफ है क्योंकि दोनों का सिमिलर इंटेंसिटी था मेरे लिए. सो ये डिसीजन मैं उनके कैप्टन के हाथ में ही ड्रॉप करूंगा कि वो किसको आगे के फेज में भेजना चाहेंगे. आई कैन फील नील के साथ क्या हुआ था राइट क्योंकि वो चीज फिर लड़के के कैरेक्टर पे आके रुक जाती है कि इसका कैरेक्टर ही ऐसा होगा कि दोस्तों की बहनों के साथ ये करता है या वो करता है राइट. इसके बारे में ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि शायद बहुत लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की भी होगी और जब ये उसको पता चलता है कि ये मेरे दोस्त की बहन है भले उसका इंटेंशन कुछ भी नहीं हो लेकिन आज उसने रिवील भी किया तो शायद उसको बहुत कुछ फेस भी करना पड़े. शायद उसको प्रेशराइज किया जाएगा उसकी फैमिली की ओर से भी कौन थे बता. शायद उसका हर एक फ्रेंड उसको जाके क्वेश्चन करेगा क्या तू मेरे घर आया था. शायद एपिसोड देखने के बाद वो एनालाइज करना स्टार्ट करे नील ये बार मेरे घर पे आया था मेरी बहन थी या नहीं थी ये मेरे घर पे आया था क्या मेरी बहन थी कितने लोग थे क्या थे. तो आई थिंक कि नील को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और आई ट्रूली एम्फसाइज हिज फीलिंग्स एंड आई वुड सी नील इन नेक्स्ट मंथ. थैंक यू. सो आई वुड लाइक टू से कि जो भी डिसीजन है वो आपका ही कंफर्म डिसीजन रहेगा. सो गौरांग आप नेक्स्ट फेज में नहीं जा पाओगे बट आई कुड से कि आप आई थिंक सो मैरिड हो राइट. सो आपकी वाइफ भी जो है वो शो देख रही होगी और मुझे नहीं पता कि आपने उनको बताया था या नहीं बताया था आपके पास रिलेशनशिप के बारे में बट आई डोंट नो अबाउट इट. बट ये भी एक करेज की बात है कि आफ्टर बीइंग अ मैरिड मैरिज और आपने वो चीज़ रिवील की है सो हेड्स ऑफ टू यू. और ये आपकी जर्नी खत्म नहीं हो रही है. एलिमिनेशन टास्क में इंडिविजुअली प्ले करना है आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करके बाउंस बैक कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. तो यहीं पे हमारा पहला पड़ाव खत्म होता है. मिलेंगे हम दूसरे स्टेज के साथ फॉर टिकट टू फिनाले हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 4. स्टे ट्यून्ड. अब वक्त है हमारे टिकट टू फिनाले टास्क के सेकंड पड़ाव का. फर्स्ट पड़ाव जैसे कि आप सबने देखा काफी इमोशनल रहा. अब बारी है सेकंड पड़ाव की जो कि चेक करेगी आपकी स्ट्रेंथ. सो सेकंड पड़ाव जो है उसमें करना क्या है आपको सामने आपको चार पिलर दिख रहे हैं. आपके पास एक मिनट का टाइम होगा. आपको चार बलून दिए जाएंगे. वो चार बलून आपको फुलाने हैं. हर एक पिलर पर एक बलून को आपको टाई करना है. एक मिनट का टाइम आपका जैसे ही खत्म होता है आपको सेंटर में आके खड़े रह जाना है. अपोजिट टीम का एक मेंबर आएगा वो आपके बलून बर्स्ट करने का ट्राई करेगा. आपको अपने बलून्स प्रोटेक्ट करने हैं. वो अपोजिट टीम के मेंबर के पास भी एक मिनट का टाइम होगा. उसमें वो जितने बलून बर्स्ट कर पाए और आप जितने बलून सेव कर पाए उतना आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजियस होगा. अभी बात करें अक्षर बारूद की टीम का तो उनका एक ही मेंबर है. तो आप तीनों जितने भी बलून वहाँ पर टाई करोगे हर बार आपके अंदर अरकान ही आएंगे वो बलून को बर्स्ट करने. और अरकान आपका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके लिए इन तीनों में से कोई भी एक ही आएगा बट आपको अपने बलून इनसे ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करने हैं प्लस इनके जाके बलून तीनों के फोड़ने भी है. सो अब यहाँ पर पता चलेगा कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कौन अपने बलून्स प्रोटेक्ट कर पाता है. जिसके ज़्यादा बलून्स होंगे वो ऑब्वियस है नेक्स्ट टास्क में जाएगा. अगर सभी इफ़ इन केस सबके बलून फट जाते हैं या बर्स्ट हो जाते हैं तो हम जाएंगे टाइम पर कि कितने टाइम में बर्स्ट हुआ तो उस हिसाब से वो डिसीजन लिया जाएगा. ओके एनी डाउट. ओके ऑल द बेस्ट. ओके सो टिकट टू फिनाले टास्क के सेकंड पड़ाव में सबसे पहले परफॉर्म करने आ रहे हैं अक्षर पंचोली की टीम से नील और उनके बलून बर्स्ट करेंगे अक्षर बारूद की टीम से अरकान. ओके नील ऑल द बेस्ट. 2-1 स्टार्ट.
सेंटर में आके खड़े हो, अभी एक मिनट खत्म नहीं हुआ। वेल डन अरकान, वेरी वेल। कमर अरकान, एक बचा के रखना। बस हो गए, हो गए वो पकड़ के रख। नहीं बहुत है अरकान, बहुत है। Come on, Arkan! Focus, Arkan, focus. Come on, Arkan! Come on! Focus. You have to time. कोई बात नहीं, तीन फूल दिए, ट्राई कर अभी भी, आराम से। स्टेमिना तुझे सेव करना है अभी भी। बहुत है, बहुत है। क्विट, क्विट बोला। Three, two, one, stop. Very well, Arkan. Very well. Complete है भाई। चश्मा। अभी तुम्हें बचना हो, तुम्हारे दो कदम देने थे। अरे